लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। पीडीएफ फॉर्मूले से मिली सफलता के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इन दिनों ब्राह्मण समुदाय पर खास फोकस कर रखा है। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाने से लेकर हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा का मुद्दा अखिलेश ने उठाया और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्रा की जयंती को सपा ने जिला स्तर पर इस बार मनाया है। अखिलेश यादव और सपा ऐसे ही ब्राह्मण कार्ड का दाव नहीं चल रही, बल्कि उपचुनाव के समीकरण को साधने के लिए सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 9 सीटें विधायक के सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है। एक सीट सपा के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो जाने के चलते रिक्त हुई है, जिसमें करहल, सीसमऊ, फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, मिल्कीपुर और कठेरी है। इन 10 सीटों में से 5 सीटें सपा कोटे से खाली हुई है, तो 3 सीट बीजेपी के विधायकों के इस्तीफा से रिक्त हुई है। इसके अलावा एक सीट आरएलडी विधायक के सांसद चुने जाने और एक सीट निषाद पार्टी के विधायक के बीजेपी से सांसद बन जाने के चलते खाली हुई है। अब इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें ये 6 सीटों पर ब्राह्मण समुदाय के मतदाता अहम भूमिका में है। कटहरी, फूलपुर, मंझवा, सिसमऊ, गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर 35,000 से 60,000 तक है। सूबे में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसके चलते सपा ने ब्राह्मण वोटों को साध कर अपने पीडीएफ फॉर्मूले को विस्तार देने की स्ट्रैटेजी बनाई है, ताकि उपचुनाव में ब्राह्मण प्रभाव वाली सीट पर कोई सियासी अड़चन ना आ सके। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर एक नया दाव डाला है। कानपुर की सीसमऊ सीट पर 55,000 ब्राह्मण वोटर है, तो मंझवा सीट पर करीब 60,000 से ज्यादा ब्राह्मण है। इसी तरह कटहरी में ब्राह्मण वोटर 50,000 से ज्यादा है, तो फूलपुर में 35,000 ब्राह्मण है। फूलपुर और गाजियाबाद में ब्राह्मण वोट करीब 30,000 से 40,000 के बीच है, तो मिल्कीपुर में भी अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में सपा ने सियासी प्रयोग के तौर पर ब्राह्मण को अपनाने का निर्णय लिया है। उपचुनाव में ब्राह्मण दाव अगर सफल रहता है तो फिर 2027 तक सपा खुलकर खेलेंगी। इसलिए अखिलेश यादव अब सपा की सियासी पिच पर ब्राह्मणों को साधने की कवायद में है। अब देखना यह है कि सपा का ब्राह्मण प्रेम कितना सफल होता है। क्या ब्राह्मणों के सहारे सपा विधानसभा के उपचुनाव में अपनी किस्मत खोल पाएगी, या इस बार भी ब्राह्मण वोटरों का झुकाव भाजपा की तरफ ही रहेगा।